पूर्णिया से लेकर और भोजपुर तक एक बड़ी ही मीठी बोली बोली जाती है, जिसे पूर्विया और भोजपुरी बोली बोलते हैं। इस पर कई फिल्में बनी, कई गाने बने, नदिया की पार जैसी फिल्में भी बनी। पूर्वांचल में आए और लिट्टी चोखा न खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग जब मरीज लेके आते हैं तो लिट्टी चोखा बढ़िया और सस्ता मिलता है। सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में भी करते हैं और रात में भी भोजन का करते हैं और बहुत अच्छा स्वाद लगता है सर। इस माटी में क्रांति की ज्वाला भी धड़कती रही है। कम्युनिस्ट आंदोलन को सरयू पांडे जैसे नेता ने जो हवा दी, उसी की वजह से इस क्षेत्र में लाल झंडा फहराया। यही नहीं, सरयू पांडे यहाँ से 4 बार सांसद रहे और जवाहरलाल नेहरू ने उनके सम्मान में एक उन्हें लाल फूल भी भेंट किया। ये वीर शहीद अब्दुल हमीद की धरती है, जिन्होंने 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अभेद्य माने जाने वाले अमेरिकी टैंकों को ध्वस्त कर शहादत प्राप्त की और गाजीपुर का नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। भारत में अफीम की एकलौती फैक्ट्री गाजीपुर में है, जो कभी अंग्रेजों ने अपनी कमाई का जरिया बनाया था, जो आज भी जारी है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, जो हिंदुस्तान के कभी 2 बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। ये शहर गंगा के किनारे बसा हुआ है और अंग्रेजों का कलकत्ता से आने जाने का रास्ता भी यही था। इसी यात्रा के दौरान 5 अक्टूबर 1805 को लॉर्ड कॉर्नवालिस का यहाँ देहांत हो गया और उनका यहाँ मकबरा बना दिया गया। मैं समय हूँ, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं। यह वो धरती है जिसने राही मासूम राजा जैसे साहित्यकारों को जन्म दिया। महाभारत सीरियल में उनके डायलॉग काफी प्रसिद्ध है। माताश्री और पिताश्री जैसे सब महाभारत सीरियल देखकर ही एक बार फिर प्रचलन।